हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल वारी एनए। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नथिंग फोन वन के बारे में। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि नथिंग फोन वन का लॉन्चिंग फ्लिपकार्ट पे 30 जुलाई को ही हो चुका है, तो वहाँ से आप जाकर अपना उसे खरीद भी सकते हो। खरीदने से पहले आप ये चीज़ ज़रूर जान लेना कि उसकी की स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, जनरली अगर जो इसमें हम देखें तो एंड्रॉयड का V12 वर्जन देखने को मिलेगा और ये काफ़ी आपको थिंक मिलने वाला है। इसमें सबसे मेन क्या देखने को मिलेगा, जो बैक साइड का पैनल है वो आपको ट्रांसपेरेंट मिलने वाला है विथ लाइटिंग। जैसे डार्क मोड में वो ऑटोमेटिक लाइटिंग देगा और फ़ोन ऑन होता है उस टाइम पे भी लाइटिंग देगा। और अगर बात करें फ्रेंड्स इसकी हम डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले आपको इसमें मिलने वाला है 6.5 इंच का ऑलमेंट स्क्रीन इसमें मिलने वाला है। 1080 से 2400 पिक्सल्स इसमें अवेलेबल करवाया गया है। PPI की बात करें तो इसमें 402 PPI इसमें अवेलेबल्स है विद गोरिल्ला ग्लास एंड 120 हर्ज का रिफ्रेश रेट के साथ। तो ये एक अच्छे फ़ोन के साथ साथ इसमें अगर आप गेम प्ले भी करना चाहते हैं तो 120 GHz का रिफ्रेश रेट काफ़ी अच्छा होता है एक गेमिंग फ़ोन के लिए। साथ ही साथ अगर हम इसकी कैमरास की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिलने वाला है विथ OIS। 4K का और 30 FPS का UHD वीडियो रिकॉर्डिंग भी साथ में इसमें फंक्शन देखने को मिलेगा। अगर इसकी फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो कि सोनी IMX766 से कंपैरिजन करेगा। अगर इसकी हम बात करें अब इसकी प्रोसेसर की, तो इसमें स्नैपड्रैगन का 778G प्लस चिपसेट प्रोसेसर मिलने वाला है जो कि 2.5 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा। रैम रोम की बात करें तो इसमें आपको 8GB रैम प्लस 128GB का इनबिल्ट मेमोरी मिलने वाला है जो कि एक्सपेंडेबल होगा। 8GB से 12GB तक आप रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं एंड इसमें आप बिल्ड कर सकते हैं 256 तक मेमोरी कार्ड। इसकी कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये 5G प्लस 4G वोल्ट का सपोर्ट करेगा। ब्लूटूथ में अगर बात करें तो आपको इसमें 5 वर्जन का ब्लूटूथ मिलेगा जो कि सबसे लेटेस्ट है 5.2 ब्लूटूथ विथ। इसमें आपको सबसे लेटेस्ट वर्जन का वाईफाई मिलने वाला है। बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी इसमें कुछ ज़्यादा दिया नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी थिन है, इस वजह से 4500 mAh की बैटरी मिलेगी विथ 33 W का फास्ट चार्जिंग के साथ। रिजर्व चार्जिंग इसमें साथ में मिलने वाला है। इसमें अगर हम यूनिकनेस की बात करें तो ये वायरलेस चार्ज करेगा विथ 15 W QI वायरलेस चार्जिंग के साथ। और इसके अगर जो हम स्पेसिफिकेशन जो कि इसे यूनिक बना रही है, अगर आपके पास नथिंग का एयरबड्स होगा तो सिर्फ इसे पीछे रखने से ही, फ़ोन के पीछे रखने से ही आपका एयरबड्स ऑटोमेटिक चार्ज हो जाने वाला है। और अगर यूनिकनेस में बात करें तो इसका डिज़ाइन और लुक जो कि बैक पैनल से मिलने वाला है वो इसे यूनिक बना रहा है, क्योंकि यह फ़ोन जो है लाइटिंग जो बैक कलर में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जो ये फ़ोन वन में इस लाइटिंग के कारण इसे यूनिक बताया जा रहा है। और यह एक बहुत बड़ा मतलब कार्ले के द्वारा बताया जा रहा है कि ये आजकल के डेट में फ़ोन में इनोवेशन कम हो गया था, जो भी है नॉर्मली खींचे जा रहा है, तो ये एक इनोवेशन के रूप में हमें देखने को मिल रहा है इस फ़ोन नथिंग फोन वन में। तो फ्रेंड्स, जैसा भी आपको अगर ये अच्छा लग रहा हो तो आप परचेज कर सकते हैं विद कंपैरिजन। अगर कई लोग इसे आईफोन के साथ कंपैरिज कर सकते हैं तो कर रहे हैं, तो आईफोन के साथ इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है, ये बात आप जान लो। लेकिन हाँ, ये लुक में क्वालिटी में आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है एंड यू कैन गो फॉर इट। सो इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली है पहले दिन से ही। अगर हम बैटरी परफॉर्मेंस ये सारे की बात करें तो इसमें कुछ ज़्यादा देखने को मिल नहीं रहा है अभी, क्योंकि और फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं इसका ऑर्डर कर चुका हूं, तो जैसे ही मेरे पास फ़ोन अवेलेबल होता है तो मैं इस फ़ोन का रिव्यू लेकर आऊँगा अगले नेक्स्ट वीडियो में विद इन 7 डे यूज़ का, कि यूज़ करने के बाद वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है और उसके बाद किस तरीके से इसके बैटरी परफॉर्मेंस गेम प्ले सारी जानकारी फिर से हम प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ टेक्निकल वारी एनए के साथ, और प्लीज़ बी सपोर्ट अस
एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर विद माय वीडियो एंड प्लीज़ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.